अभी आर स्टार्टिंग द एट क्वेश्चन ऑफ मिसेलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर सिक्स क्लास ट्वेल्थ अभी हमारे पास चल रही है. फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल दैट इंस्क्राइब इन द एलिप्स. तो यहाँ पर आपके पास एक एलिप्स, हम सबसे पहले यहाँ ड्रॉ आउट कर लेते हैं. ये आपके पास एक एलिप्स है, ठीक है. इसका मेजर एक्सिस कहाँ पर है? मेजर एक्सिस इसका एक्स पर है, और मेजर एक्सिस यहाँ पर एक्सिस हमें यहाँ से पता लगता है मेजर एक्सिस है, और ये माइनर एक्सिस है. तो यहाँ से लेके यहाँ तक की आपकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है? ए है. और यहाँ पर आपके पास वाई का कोऑर्डिनेट क्या होगा? एक्स एक्सिस पे तो वाई बेचारा होता ही जीरो है. और यहाँ से आप एक ट्राइंगल को ड्रॉ आउट कर लीजिए. आपने ये ट्राइंगल यहाँ पर ड्रॉ आउट कर लिया है. अब ट्राइंगल में आप पॉइंट को ढूंढिए. यहाँ पर एक पॉइंट तो आपके पास ये आ रहा है, ये 90 डिग्री है यहाँ पर, ठीक है. आप इसको क्या बोलिए? डी. आपके पास ये क्या हो गया? ए. ये क्या हो गया? बी. और ये क्या हो गया? सी. आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है सर एरिया ऑफ ट्राइंगल. एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा यहाँ पर? 1/2 मल्टीप्लाई बी सी मल्टीप्लाई ए डी. ये आपके पास होगा. यहाँ पर कौन है? ओ, ठीक है. अच्छा, तो 1/2 हाफ जो आपके पास है. और BC क्या होगा? BC 2 टाइम होगा BD का, यानी 2 मल्टीप्लाई BD लिख लीजिए. कितना सिंपल काम है. और यहां पर लिखिए AD. और AD क्या होगा आपके पास? AD आप कैसे निकाल सकते हैं? AD आप निकाल सकते हैं कि अगर आप OA में से माइनस कर देते हैं किसको? OD को, तो आपके पास क्या आ जाएगा? AD आ जाएगा. चलिए सर, अब हमारी प्लानिंग बन चुकी है. थोड़ा सा अब इसको आगे चालू करते सीखना कि बी डी कैसे निकलेगा. देखिए, बी और डी की डिस्टेंस यहाँ पर, यानी कि जो वाई का कोऑर्डिनेट होगा ना, वही तो बी डी की डिस्टेंस के करीब बनेगा. तो वाई कोऑर्डिनेट और एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे कैसे निकलते हैं? पैरामेट्रिक फॉर्म होती है. पूरे एलिप्स में कोई भी जो पॉइंट होता है, कहीं पर भी जो पॉइंट होता है, आप उसको किस तरह से डिफाइन कर सकते हो? उसे डिफाइन कर सकते हो आप ए कोस थीटा और बी साइन थीटा. इस तरह से आप उसको डिफाइन कर सकते हो. यहां पर सिमिलरली क्या पॉइंट हो सकता है? ए कोस थीटा माइनस बी साइन थीटा, क्योंकि ये नीचे डाउन पे है, माइनस बी साइन थीटा यहां पर आ सकता है. तो आपके पास क्या होगा? बीडी क्या लिखोगे आप? बीडी आपके पास हो गया, यानी कि ये वाई का कोऑर्डिनेट, वाई का कोऑर्डिनेट आपके पास यहां पर है बी साइन थीटा मल्टीप्लाई. ओ ए कितना है? यहां से लेके यहां तक ए है. और OD कितना है आपका? OD यानी कि यहां से लेके यहां तक, यानी इस पॉइंट में जो X का कोऑर्डिनेट था वो कितना था? A cos थीटा. A cos थीटा आपने यहां पे रख लिया है, आपके पास आ गया है. आप मल्टीप्लाई कर लीजिए अंदर, तो AB sin थीटा माइनस AB sin थीटा और cos थीटा, यहां तक ऑप्शन आ रहा है, ठीक है. अब आप क्या करेंगे? आप इसमें से AB कॉमन ले लीजिए, तो आपके पास क्या बचा? sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, ये ऑप्शन बच गया, ठीक है. आप थोड़ा सा इसको यहां पर भी स्टार्ट कर सकते हैं, अगर आप इसका डिफरेंशिएट लेना चाहें यहां पे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर इसको थोड़ा सिंपल बना लो और बेटर है. मैंने 2 से अंदर मल्टीप्लाई और 2 से बाहर डिवाइड कर दिया, इससे फर्क कुछ नहीं पड़ा, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने में सिंपल हो जाएगा. अब यहां पर क्या आ गया सर? ये ए बी बाई 2, और यहां पर आ गया है आपके पास 2 साइन थीटा. तो मैं इसको सही से लिख लेता हूं थोड़ा सा. तो मेरे पास आ गया 2 साइन थीटा माइनस, किसका फॉर्मूला है? 2 साइन ए कोस ए, यानी कि आपके पास हो गया साइन 2 ए. यहां पर आपके पास साइन 2 ए का फॉर्मूला आ चुका है. अब हमें क्या करना है? इसको डिफ्रेंशिएट करना है. ये आपका एरिया है, आपको क्या निकालना है? डी ए अपॉन में डी थीटा निकालना है, ठीक है. अच्छा, मैंने ए एरिया यहाँ स्पेशली लिख दिया ताकि जब आप थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको यहां पुट करनी है. तो डी ए अपॉन में डी थीटा ए बी बाई 2, और आपके पास ये क्या आ गया है? 2 कोस थीटा, हो गया ना सिंपल. और साइन 2 थीटा का कोस 2 थीटा, और दोबारे से आपके पास क्या ऑप्शन आ गया यहाँ पे? 2 और आ गया. फॉर मैक्सिमा और मिनिमा के लिए आप क्या करते हैं? फॉर मैक्सिमा या मिनिमा के लिए आपको करना होता है सर कि आप इसको 0 के बराबर रखिए. ए बी बाई 2 और 2 कोस थीटा, कोस थीटा माइनस 2 कोस 2 थीटा इक्वल टू 0. आप इस ए बी को वहां 0 के नीचे ले जाएंगे तो ये ए बी वहां पे 0 हो जाएगा. आप इन दोनों में से 2 को मन निकालेंगे और 2 को वहां ले जाएंगे तो ये 2 भी क्या हो जाएगा? फिनिश हो जाएगा. तो आपके पास यहां से 2 भी हट चुका है. तो आपके पास ये ऑप्शन आ चुका है. तो आप इसे किस तरह से लिख सकते हैं सर? देखिए, इसके दो तरीके. एक तो अगर आप थोड़ा सा अगर ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे से जानते हैं तो कोस थीटा इक्वल टू आपके पास कोस 2 थीटा आ गया इक्वल टू में, तो थीटा आपके पास 3π/2 आ गया, 3θ/2 आ गया. बट अगर आप इस तरह से नहीं समझ पा रहे हैं तो आप ऐसे लिख लीजिए कोस थीटा
माइनस, और यहां पर कोस टू थीटा में लिखिए 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोस टू थीटा का फॉर्मूला होता है ना, वो मैंने यहां पर ओपन कर लिया। तो आपके पास ये क्या ऑप्शन आ गया है, अब हम इसको आगे स्टार्ट करते हैं। तो आपके पास ऑप्शन आ गया है माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा, माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा और प्लस कोस थीटा, प्लस कोस थीटा, और उसके बाद आपके पास है प्लस 1 इक्वल टू 0। आप इसको माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए ताकि यहां से माइनस हट जाए, तो आपके पास ये ऑप्शन आ गया है इस तरह से, ठीक है। अच्छा अब आप सोचिए इसके फैक्टर सोचिए सर, अगर मल्टीप्लाई करें तो 2i माइनस के और प्लस करें तो 1i, वो वाली बात क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ रही है, थोड़ी सी ध्यान, इस तरह से माइनस 2 और 1। तो आप यहां पे क्या लिखेंगे, 2 cos स्क्वायर थीटा, फिर क्या लिखेंगे माइनस 2 cos थीटा, फिर क्या लिखेंगे प्लस 1 cos थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। ये ऑप्शन आपके पास आ गया। अब आप इसमें से कॉमन बाहर ले लीजिए, आपने कॉमन बाहर लिया यहां से 2 cos थीटा, तो क्या ऑप्शन बचा cos थीटा माइनस 1, और यहां से प्लस 1 बाहर लीजिए cos थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी कि 2 cos थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, cos थीटा इक्वल टू माइनस 1 बाई 2, ये 1 उधर जाएगा फिर 2 नीचे, ठीक है। ऐसे यहां पर cos थीटा इक्वल टू 1, cos थीटा 1 कब होता है, जब आपका जो थीटा है इक्वल टू होता है कितना 0, और अगर थीटा आपका 0 आ गया, यहां से जो ये थीटा बनता है इधर के लिए वो 0 आ गया, तो वो थीटा तो ऐसे यहां इससे एक्स एक्सिस के ऊपर ही आ जाएगा, ऐसे टाइम पर आपका ट्राइंगल एग्जिस्ट नहीं होगा। तो ये कंडीशन तो हमने कट कर दी, हम यहां पर आप अपना सारा ध्यान लगा देते हैं, और ये कितना है मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूं, थीटा 120 है। अगर आपको ये समझ नहीं आया कि 120 कैसे आया, तो मैं आपको यहां पर समझा के बता देता हूं। देखिए आप इस तरह से समझिए सर, आपके पास है कोस थीटा, माइनस यहां पे लगा है 1 बाई 2 को आप क्या बोलते हैं कोस पाई बाई 3। देखिए कोस 60 ही तो हमारे पास 1 बाई 2 होता है, ये समझ में आ रहा है, कोस थीटा इक्वल टू, आप इस माइनस को किस तरह से बोलते हैं कोस पाई माइनस पाई बाई 3, कौन सा क्वाड्रेंट है, यही तो होता है सेकंड क्वाड्रेंट, वही तो ये नेगेटिव होता है, तो ये 3 पाई में से माइनस करिए कोस थीटा इक्वल टू, आपके पास कितना आ गया कोस 3 पाई में से पाई बाई 2 पाई बाई 3, यानी थीटा आपके पास 2 पाई बाई 3 यानी कि 120 आ गया है, जो मैं आपको यहां पर डायरेक्ट समझाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन कोई बात नहीं, आप अपने 12th के हिसाब से इस तरह से सीख लीजिए। तो थीटा आपके पास कितना है सर, 2 पाई बाई 3 आपका थीटा आ चुका है, तो हम यहां पे लिख लेंगे थीटा इक्वल टू 2 पाई बाई 3। ओके बात समझ में आ रही है। अब जब थीटा 2 पाई बाई 3 है, तो बिल्कुल यही बगल में ये जो एरिया था इसको हम चेक कर लेते हैं कितना हो जाता है। तो एरिया आपके पास आ गया है a/b/2, और यहां पर 2 और साइन और थीटा के प्लेस में क्या रखना है सर 2 पाई बाई 3 माइनस साइन 2 और ये वाला 2 और ये वाला 2 4 पाई बाई 3 आपने ये रख लिया। वैल्यूज आप डायरेक्ट भी रख सकते हो, अगर आपको ध्यान नहीं आ रहा है 11th में तो मैं आपको डिटेल में समझा देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइन 2 थीटा बाई 2 आप इसे किस तरह से बोलते हैं सर, आप बोलते हैं ये होता है साइन पाई माइनस पाई बाई 3, ऐसे होता है ना 3 पाई में से पाई गए 2 पाई बाई 3, कौन सा क्वाड्रेंट है फिर हम ये सोचते हैं कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड में क्या रहेगा साइन पाई बाई 3 के बराबर रहेगा। तो पाई बाई 3 की वैल्यूज क्या होती है, साइन पाई बाई 3 की वैल्यूज होती है हमारी माइनस, ये हमारी होती है प्लस √3/2 होती है ना, तो आप यहाँ पे √3/2 रख सकते हो इसकी जगह पर। तो मैंने ये सारा हटाया और इसकी जगह पर यहाँ क्या रख दिया है साइन पाई बाई 3 की वैल्यू, और वो क्या होती है √3/2। चलिए इसको सोचते हैं कितना होगा, तो यहां पर इसको सोचना हम स्टार्ट कर देते हैं, और यहां पर हमारे पास है, ये भी डायरेक्ट दिख रहा है कि पॉजिटिव साइन ले आएगा, फिर भी आप समझ के कर लीजिए अगर आपको याद नहीं आ रहा है, 4 पाई बाई 3 है, आप इसको कैसे सोचेंगे सर साइन पाई प्लस पाई बाई 3, तभी तो बनेगा ही 4 पाई बाई 3, कौन सा क्वाड्रेंट है थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या जाएगा नेगेटिव, तो माइनस साइन पाई बाई 3, यानी इसकी वैल्यूज आपके पास क्या आ गई है, ये आ गई है आपके पास माइनस √3/2, समझे इसकी वैल्यू। तो यहां पर ये जो माइनस था आपका ये क्या हो गया प्लस, और यहां पर साइन 4 पाई बाई की जगह पे आपने क्या लिख लिया है √3/2। तो ये ऑप्शन आपके पास आ गए हैं, अब हम इसको यहां पर सोल्व करते हैं। तो
तो चलिए सर सॉल्व करना चालू कर देते हैं। ये टू रूट थ्री है और ये वन रूट थ्री है, थ्री रूट थ्री हो गया, एलसीएम तो इक्वल है ना, तो यहां पर ए बी मल्टीप्लाई थ्री रूट थ्री अपॉन टू और यहां पर भी टू, ये एलसीएम लेके कराए तो टू ही आएगा, ठीक है। तो ये कितना आ गया सर आपके पास, ये आ गया थ्री रूट थ्री ए बी और यहां पर फोर, इतना यूनिट हमारे पास इसका एरिया रहेगा अगर थीटा ये होगा। अब हमें ये फाइंड करना है कि जो हमने एरिया निकाला है वो मैक्सिमम है या नहीं है, उसके लिए हम क्या करते हैं, आपको अच्छे से याद होगा कि एरिया को ये चेक करने के लिए कि मैक्सिमम है या मिनिमम है, हम डबल डिफरेंशिएशन करेंगे इसका। तो आ जाइए मेरे साथ, मेरे पास यहां पर ऑप्शन है डी स्क्वायर ए अपॉन में डी थीटा और एट थीटा इक्वल टू टू पाई बाई थ्री में, यहां पर हमें चेक करना, ठीक है। तो सर आपके पास ये क्या गया, इसका ये तो बाहर ऐसे ही रह रहा है ए बी बाई टू और यहां पर आपके पास कोस थीटा का क्या आ जाएगा माइनस टू साइन थीटा, ये आ गया। अच्छा अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपके पास पहले यहां पर हमारे पास क्या ऑप्शन है, इधर यहां हमारे पास है, हमने इसका डिफरेंशिएट करा था तो ऑप्शन हो गया है ये रहा टू, तो आपके पास टू पहले से है, ठीक है, और एक माइनस और आएगा वहां से जब आप कोस थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे ना, डबल डिफरेंशिएशन हो रहा है तो माइनस माइनस प्लस हो गया आपके पास, ठीक है। मैं यहां डायरेक्ट फोर लिख दूं क्योंकि पहले मैं कोस टू थीटा का करूंगा फिर टू थीटा का करूंगा तो टू और आएगा, तो मैंने फोर लिख दिया और कोस टू थीटा का हो गया साइन टू थीटा, ये ऑप्शन मेरे पास आ चुका है, ठीक है। अब मैं यहां से आगे इसको सोल्व करना चालू करूंगा, तो देखिए मैं क्या कर सकता हूं, यहां से मैंने टू को कॉमन ले लिया है और टू जब मैंने यहां पे कॉमन ले लिया है तो ए बी ये टू तो चले गया बाहर अपॉन में टू और यहां पे बच गया माइनस साइन और थीटा के प्लेस में टू पाई बाई थ्री प्लस फोर, यहां टू रह गया है और ये कितना आ गया है साइन और टू थीटा, ठीक है, बात आ रही है समझ में। अब देखो हम यहां पर भी थीटा के प्लेस में क्या रख देंगे टू पाई बाई थ्री, यानी ये कितना आ जाएगा फोर पाई बाई थ्री आ गया, तो ये टू से टू कैंसिल, यहां पर क्या आ गया ए बी और यहां पर क्या आ गया माइनस साइन टू पाई थ्री। और अब ब्रदर मैं इसको दोबारा से जैसे मैंने आपको ये यहां पर समझाया था, याद आ रहा है थोड़ा सा, मैंने यहां पर समझाया था आपको ध्यान आ रहा है, ठीक है, वही वाला ऑप्शन मुझे यहां पे लेके चलना है। तो ये यहां पर कितना आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा रूट थ्री बाई टू, सेम वही चीज है जो मैं आपको यहां समझा रहा था, और प्लस ये फोर पाई बाई थ्री को खोलोगे आएगा ये भी वही बट नेगेटिव में आएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा माइनस टू और यहां पर क्या आ जाएगा रूट थ्री बाई टू, ठीक है। आप क्या करिए, सिर्फ आप इस माइनस को बाहर ले लीजिए, यहां पर आपने नेगेटिव साइन ले लिया है ए बी और अब आपके पास थ्री पाई बाई टू और प्लस टू रूट थ्री पाई बाई टू, ये ऑप्शन आपके पास बच रहा है। ये नेगेटिव साइन तो आना ही है क्योंकि ये बंदा तो कुछ भी नेगेटिव आएगा नहीं चाहे आप सोल्व कर लो, ठीक है। तो ये क्या ऑप्शन है आपके पास, नेगेटिव है। तो डबल डिफरेंशिएशन अगर हमारा नेगेटिव होता है तो वो क्या शो करता है कि इस वैल्यूज पर इस एंगल पर ये जो आइसोसेलेस ट्राइंगल हमारे पास है ये क्या रखेगा, मैक्सिमम एरिया रखेगा। तो हैंस हमने इसे इजिली प्रूव कर लिया है और उसका मैक्सिमम एरिया ये रहेगा। थोड़ा सा लेंथी सम था, थोड़ा समझाते वक्त मैंने अपनी स्पीड कम रखी है जिससे ये थोड़ा सा और लेंथी बन गया, बट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ऐसा कुछ है आप हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।